नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपके संविधान से संशोधन की। आप देख रहे हैं कि इधर जो प्रश्न आपके देखने को मिले पॉलिटी से, हालांकि एक आध सवाल ही पूछे गए, लेकिन संविधान संशोधन एक ऐसा भाग होता है जिससे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा। पॉलिटी से पूछ भी रहा है तो बेसिक पूछ रहा है, जैसे भाग से पूछ रहा है, अनुसूचियों से पूछ रहा है, प्रमुख अनुच्छेद से पूछ रहा, 50 तक अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए, संविधान के भाग रख लीजिए, अनुसूचियां रख लीजिए, और साथ ही साथ जो विदेशी स्रोत है उनको भी देख लीजिए, और साथ ही साथ ये जो वीडियो मैं दे रहा संविधान आपके संशोधन प्रमुख प्रमुख इनको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक नजर इन पर डालते हैं कौन कौन से संशोधन में क्या क्या। जैसे बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन की, पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था, जैसे संविधान लागू हुआ उसी के बाद। इसमें क्या किया गया कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। ज्यादातर प्रश्न जो बनता है वो इससे बनता है कि जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यह चीज ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सातवां सबसे ज्यादा, क्योंकि यह जो आपका रहा 1956, आप सभी को ध्यान होगा 1956 में क्या हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, राज्य पुनर्गठन किया गया था, तो इसी के माध्यम से अपने यहां 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें भाई दूसरी और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया था, और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। तो ये पूछता है और ये आपसे पूछता है, दो चीजें इसमें पूछते हैं, ये ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे दसवां संविधान संशोधन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया गया था, इसमें जब हम बात करते हैं विशेष तौर पर अपने यहां जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो दादरा नगर और जो हवेली है इसका अधिग्रहण हम लोगों ने पुर्तगाल से किया था, ठीक है। तो 1961 की बात यह होती, 1961 तक भारत आजाद था, तब भी इन सारे केंद्रों पर, इन सारे अपने जो है ऐसी जगह होती हैं जहां पर तब भी ये पुर्तगाल के नियंत्रण में हुआ करते थे। आगे हम बात करते हैं जैसे 24वां, इससे सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्या पूछता है, इससे आपसे पूछता है कि भाई राष्ट्रपति को किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए अनिवार्य कब किया गया। तो यही आपका जो 24वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया गया कि भाई अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, इसके द्वारा मजबूर किया गया था, यह चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान। साथ ही साथ यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संसद अनुच्छेद 13 से संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति दे दी गई थी, यह चीज ध्यान रखना। अगला आपसे पूछ रहा है जैसे 25वां है, 25वें की जब हम बात करते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीज बनती है, वो महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो 39B या C की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, ठीक है, यह बोला गया कि इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता। यह बात आपकी किसमें की गई थी, यह बात आपकी जो है 25 में की गई। जब हम बात करते हैं 26 की, तो 26 में क्या किया गया था, रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले पैवी पर्श और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, यह 26वें के द्वारा। 34 की जब हम बात करते हैं तो इसके माध्यम से क्या किया गया था, कुछ और भी आपके 9वीं अनुसूची में कुछ और भी आपके पॉइंट थे जिनको इसके माध्यम से, ठीक है, लागू किया गया था। अगला आपसे कह रहा 38 में जो है ये बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए इमरजेंसी प्रोक्लेम कर रहा, आपातकाल की घोषणा कर रहा, तो इसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है, को घोषणा करने का अधिकार दिया गया था। आगे हम बात करते हैं 42, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूछता ही पूछता है, जैसे इसमें एक तो आपका इसी को लघु संविधान जो है कहा जाता है, इतना बड़ा संशोधन किया गया तो कि एक तरीके से संविधान में छोटा संविधान का हिस्सा जुड़ गया। एक तो इसके द्वारा क्या किया गया, प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। दूसरी चीज क्या किया गया कि जो संसद राज्य विधान मंडल थे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति मंत्री या परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है, यह बात की गई। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें यह होती हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं 228A की, 226A और 228 जो है ए की, तो इसमें जो है क्या किया गया कि केवल उच्च न्यायालयों को राज्य विधानसभा की वैधता पर शासन करने की अनुमति दी गई,
ठीक है, यह किया गया था। आगे हम बात करते हैं जैसे 44th जो 1978 में हेल्ड हुआ, इसकी बात करते हैं तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 साल किया गया, और साथ ही साथ यह किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता। और यहां पर एक बड़ी चीज की गई कि आपातकाल में जो था आंतरिक अशांति के शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है, इसके माध्यम से यह चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें एक चीज और की गई थी कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, लीगल राइट, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। यह भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जैसे 51, तो 51 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा 1984, इसके द्वारा क्या किया गया कि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए 330 और नागालैंड की विधानसभाओं में समान आरक्षण प्रदान के लिए 332 में संशोधन किया गया था। आगे हम बात करते हैं तो 52, भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा है दल बदल कानून किसके अंतर्गत लाया गया, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसी के माध्यम से 52 की जब हम बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं 61 की, तो इसमें भी बहुत बार पूछता है कि भाई किस आपके संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, ठीक है, जो मत देने की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो वो आपका किया गया था 61 के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं 65 की, तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है एससी और एसटी, तो इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन हुआ। फिर 69 की बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या हुआ, 70 सदस्यीय जो विधानसभा और दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को एनसीआर, कई बार आपका पूछा है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस माध्यम से दिया गया, 69 के माध्यम से दिया गया था। फिर हम बात करते हैं 73 आपका इतना महत्वपूर्ण है भाई, 74 जब हम बात करते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, तो जो है इसके लिए क्या किया गया, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है, त्रिस्तरीय मॉडल को लागू कर दिया गया था, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, एससी एसटी के लिए उनकी जो है जनजाति के हिसाब से आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया गया। 74 की बात करते हैं, तो शहरों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू की गई और 9A संविधान में जोड़ा गया, साथ ही साथ 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं 76 की, तो 76 में क्या किया गया, जो ओबीसी हैं, एससी और एसटी हैं, इनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जैसे 77 की, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की तत्कालीन नीति को जारी रखने का प्रावधान किया गया। 80 की बात करते हैं, तो करों के बंटवारों के लिए वैकल्पिक योजना बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं 85 की, तो इसके द्वारा क्या किया गया, वही आरक्षण का प्रावधान किया गया था सीनियरिटी एससी एसटी का, ठीक है, शासकीय सेवाओं में पदोन्नत के मामले में सीनियरिटी का प्रावधान इसमें किया गया। फिर 86 की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई अनुच्छेद 21A जुड़ा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रावधानित किया गया। फिर बात करते हैं 91 की, तो इसमें क्या किया गया, केंद्र और राज्यों के जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनको सीमित किया गया, क्योंकि भाई संविधान में मंत्रिपरिषद की जो है संख्या का कोई उल्लेख नहीं था कितने मंत्री होंगे, तो मनमर्जी से मंत्री बन रहे थे, तो इसको सीमित किया गया और यह बोला गया कि भाई केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होगी उसमें प्रधान मंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, यह चीज की गई। और राज्यों में भी यही चीज कर दी गई थी, यह चीज बहुत अच्छी तरीके। साथ ही साथ एक प्रश्न यहां से पूछता है कि जो है किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी, तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा हुआ है। आगे हम बात करते हैं जैसे 93 की, तो इसमें क्या किया गया, जो है अनुच्छेद 15(5) की जब बात करते हैं, तो निजी गैर सहायता जो प्राप्त शिक्षण संस्थान है इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आगे हम बात करते हैं 97 की, तो सहकारी समितियां, आप सारे लोग पढ़ते हैं, कई बार पूछता है सहकारी समितियां किस भाग में है, 9B इसके लिए जोड़ा गया था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। आगे हम जब चर्चा करते हैं तो 99 अपने यहां जो है, जब हम बात करते हैं कोलोजियम प्रणाली, तो कोलोजियम प्रणाली के स्थान पर अपने यहां एक नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग बनाया गया था इसके द्वारा, ठीक है, यह चीज आपके 99 में आई थी। फिर बात करते हैं 100 की, तो 100 आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता हुआ था, ठीक है, 1974 का जो है द्विपक्षीय जो भूमि सीमा समझौता रहा, तो इसके माध्यम से दोनों देशों के कब्जे वाले विवादित क्षेत्रों को आदान प्रदान करके हम लोगों ने अपनी सीमा जो है सीधी की थी बांग्लादेश के साथ। फिर बात करते हैं 101 की,
तो जीएसटी कई बार आपसे पूछता है, ठीक है, जीएसटी की शुरुआत कब होती है। आगे आपसे क्या कह रहा है, जब हम बात करते हैं 102 की, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा इसके माध्यम से प्रदान किया गया, और 338 और 338A के साथ 338B भी शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं 103 की, तो 103 में जो अनुच्छेद 15 है, 15 में आपको सेक्शन 4 और 5 मिलता है, तो इसमें जो वर्णित वर्ग है उनके अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर होने के लिए 10% का आरक्षण EWS आया था, यह ध्यान रखना। 104 की जब हम बात करते हैं, तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 से बढ़ाकर 80 साल, अभी इस पर सवाल पूछा था वो आप जो है पीछे वाला पूछा था, तो इतने आपके महत्वपूर्ण होते, इनको आप ध्यान लेके जो है ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपको भाग पर, अनुसूचियों पर और विदेशी स्रोत पर एक वीडियो और दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त कमेंट करिए, मस्त पढ़ते रहिए, बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हुई है जीएसटी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, उन सारी वीडियोज को जरूर देखें। धन्यवाद।